यही है। मतलब वो घर में ही होंगे। यस एनी जोकअप इंडियन टाइम्स। अब आप मेरे घर भी आ गई। सॉरी फॉर ट्रबल। मैं नॉर्मली क्लाइंट्स को भी कभी अपने घर नहीं बुलाता हूँ। केस को ऑफिस में या फिर कोर्ट में ही देखता हूँ। होम स्वीट होम एंड आई एम अलोन। एक्चुअली मैं कुछ नया पका रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है। प्लीज कम। टी और कॉफी? कुछ भी सर। सॉरी, टी और कॉफी, कुछ भी हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। टी। थैंक यू। आपने टी ही कहा था ना? हाँ सर। एडजस्ट करके कॉफी पी लीजिए, चाय पत्ती खत्म हो गई थी। और आपको इसे टेस्ट करना है, ये मैंने नया ट्राई किया है टीवी चैनल पे कुछ औरतें आके। अब तक इस दुनिया में ऐसा किसी ने नहीं बनाया है और ना ही इस दुनिया में कोई बना पाएगा, ऐसा कर बोलती रहती है ना। और उसका कुछ अजीब सा नाम भी दे देती हैं। ऐसा ये भी है, पोटैटो का पिज्जा, आलू का बूंदा। सर मैंने तलाईकुलम केस की फाइल आपके ऑफिस से लेके डिटेल्स निकालनी शुरू कर दी है और मुझे उस फाइल से एक बात पता चली है सर। इसका प्री इंसिडेंट केस, मतलब वारामुन्नी का मर्डर केस, वो तो अब तक प्रूफ नहीं हुआ है। हाँ कोई एक ऐसा आदमी था, बट अभी वो बाहर ही है। उस केस को भी मेरा कलीग ही लीड कर रहा है, एडवोकेट रामकृष्णन। सर आप उनसे उस केस की डिटेल्स लेके मुझे देंगे? वो भी ठीक है, सब कुछ मेरे ऊपर ही डाल दो। ऐसा नहीं है सर, गरीबों को भी न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए तो आप जैसे लोग उनके लिए खड़े हैं और सबकी भलाई कर रहे हैं। और इस बात के लिए भगवान जी जरूर आपको फल देंगे। कुछ नहीं देंगे इसलिए नहीं कह रहा, मेरा मन कर रहा है इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। एनीवे मैं रामकृष्णन को फोन करता हूँ, आप जाके मिल लीजिए। ये दोनों केस को एक साथ मिला के देखो तो अ स्टोरी माइट परहैप्स इमर्ज। थैंक यू वेरी मच सर। सर एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ? पूछिए। आप ऐसे क्रॉनिक बैचलर होने की वजह से लड़कियों पे गुस्सा है क्या, या फिर अपने प्रोफेशन की वजह से ऐसे हैं? दोनों नहीं है। कुछ लड़कियां खूबसूरत होती हैं, पर उनमें दिमाग नहीं होता। दिमाग है तो खूबसूरत नहीं होती, और अगर दोनों ही होता है तो उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता, और अगर ये तीनों ही होता है तो वो मुझे पसंद नहीं आती। फिर तो आपने आखिर में जो कहा वही सच होगा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपके पास वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर है। ठीक है मैं चलती हूँ सर। आज के बाद से आपको यहाँ कभी कभी नहीं हमेशा आना होगा, वरना मैं बोर हो जाऊंगा। मेरी अम्मू कुट्टी भी मुझे ऐसे ही कॉफी देती थी। ठीक है ठीक है, मुझे देख के मैं अम्मू जैसी हूँ कहना बंद करिए। ऐसी बात क्यों कह रही हो? मैं जब भी यहाँ आती हूँ आपसे अम्मू के बारे में पूछती हूँ, पूछ पूछ के मैं थक गई हूँ, लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं बताया। तुमसे बोलने के लिए क्या है, मैं और देवी बच्चे के लिए बहुत दुखी थी। बहुत सारे मंदिर गए, भगवानों से प्रार्थना की, फिर 5 साल बाद भगवान ने हमको हमारी अम्मू कुट्टी दी। हमारे लिए हाँ आओ आओ आओ। नमस्ते। क्या लेटर है? हाँ सर। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। देवी अम्मा कुट्टी। क्या हुआ जी? जो सोचा वही हुआ, ट्रांसफर। कहाँ? केरला में। केरला में कहाँ पापा? थोड़ीपुला में। मुझे तो यही रहना पसंद है। ऐसे नहीं कहते बेटा, तुम्हारी माँ का गांव है ना, गॉड्स ओन कंट्री, तुम्हारी माँ को उधर ही रहना पसंद है। सुनो बेटी, वहाँ के सारे स्कूल ना बहुत अच्छे हैं। नहीं। hey, मैं फर्स्ट वीक तक ज्वाइन होना है। हाँ, क्या बात है बेटा, थोड़ीपुला में ट्रांसफर हुआ है माँ। रोना नहीं बेटा, वो भी तुम्हारी माँ का ही गाँव है। मैं यहाँ दादी के साथ रहकर पढ़ाई करूँगी। हाँ, तुम अगर नहीं आओगी तो तुम्हारे पापा भी उस काम को छोड़ देंगे। अरे नहीं आऊंगी मैं। भगवान 7 बज गए, अगर 7 बजे भी अपने घर से निकले होंगे तो अब तक यहाँ आ जाना चाहिए। हाँ क्या मुझे वॉचमैन बना दिया क्या? क्या बोल रहे हो? हाँ पेट्रोल का दाम फिर से बढ़ गया बोल रहा हूँ। कोई भी नया मैनेजर आता है तो मुझे ही परेशान करते हैं लोग। पुराने मैनेजर को पैक करके भेज दिया था और अब नया मैनेजर पैक होके आ रहा है। ठीक है मैं जा रहा हूँ।
हाँ लगता पोलाची की पार्टी आ गई। नमस्ते सर। नमस्ते। आप पोलाची के नए मैनेजर हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। सर मेरा नाम सुगना है। बैंक ने बताया होगा ना हमारे शहर में कोई भी नया मैनेजर रहता है उसके लिए घर मैं ही ढूंढता हूँ। ओके ओके। वो पुराने मैनेजर के जाने के बाद इस घर को अच्छे से पेंट करके सही से रखा है। ये मेरी वाइफ देवी है। नमस्ते। और ये मेरी बेटी वरिणामणि। आप केरला पहली बार आए हो क्या? नहीं नहीं बहुत बार आ चुका हूँ। इसका तो गाँव ही केरला है। मैं भी कुछ दिन के लिए पलक्कड़ में काम कर रहा था। हे हे रुको 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 ये तुम लोग बिना पूछे क्या कर रहे हो? पहले आओ। पहले तुमको पैसे कितने देने ये बताओ बाद में सामान नीचे उतारो। सुगना जी उनको काम करने दो ठीक है। अरे सर ये तमिलनाडु नहीं है ये केरला है। यहाँ सामान को नीचे रखने के अलग पैसे लेते हैं और काम ज्यादा हो तो उसके लिए अलग पैसे लेते हैं। और सर मैं आपको बता दूं कि हमें टॉर्चर करने के उसके पैसे अलग लेते हैं लोग। ये सब जानने के बाद ही भगवान ने इस केरला को एक अलग नाम दिया गॉड्स ऑन कंट्री। इस दुनिया में बिना काम किए जहाँ पैसा लिया जाता है वो है केरला। हाँ बताओ तुम्हारा कितना हुआ? 10,000 रुपए हुआ सर। क्या 10,000? एक काम करो ये सामान वापस लेकर जाओ। उतने पैसों में तो हम नया सामान खरीद कर घर ले आएंगे। मैं सिर्फ 2,000 दूंगा। अगर लेना हो तो लो वरना मैं और सर ये सारा सामान उतार कर नीचे उतार लेंगे खुद ही। मेरे सामने कोई नया रूल नहीं चलेगा समझ गए ना? क्या सर आप भी? अरे सर मैं ऐसा ही हूँ आप सामान उतारो। ठीक है सर। गॉड्स ऑन कंट्री बट डेविल्स ऑन पीपल। भगवान के इस देश में शैतान लोग कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। मुश्किल है। न्यूज़पेपर और मिल्क पैकेट आदमी से बात कर लिया हूँ और हाँ। शाम को वो शॉप में भी बात करता हूँ। और कुछ है तो तुम संभाल लेना ठीक है? हाँ। पापा? हाँ? अरे भूल गया था बहुत अच्छा किया। पापा स्कूल के बारे में क्या सोचा? सुगना आज बैंक में आएंगे तो मैं उनसे बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ। आप लोग यहाँ नए आए हैं क्या? आपका नाम? मैं देवी और ये मेरी बेटी है वीरामणि। हम इसे प्यार से अम्मू बुलाते हैं। मेरा नाम सुमित्रा है। वो मेरा घर है। हस्बैंड गोल्फ में रहते हैं। और ये मेरा बेटा है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? रंजीत। क्या करते हो? वो बोल नहीं सकता। आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाई करता है। अभी फाइनल चल रहा है। आपके पति क्या करते हैं? बैंक में मैनेजर हैं। हम अभी बाहर जा रहे हैं। वक्त मिले तो घर आइएगा। ठीक है। हाँ। चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठो। घर आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। देखो मुझे आपसे हाँ? 2-3 काम करवाने हैं। आपने कल जो काम कहे थे वो सब कर दिए। दूध वाला आज शाम से दूध देना शुरू कर देगा। पेपर वाला कल सुबह से आएगा। बाद में गैस उसका भी अरेंजमेंट कर दिया है। आपको और क्या चाहिए बताओ मैं कर दूंगा। आज सुबह आते समय मेरे स्कूटर में प्रॉब्लम हो गई थी तो सर्विस करवानी है। मेरा बंदा है मैकेनिक सेवी। आप कल सुबह स्कूटर अपने घर पर ही छोड़ के आना। सेवी खुद घर से स्कूटर उठा के सर्विस करके आपको दे जाएगा। और कोई काम हो तो बताइए। बेटी के लिए एक अच्छे स्कूल में प्लस 1 के लिए एडमिशन चाहिए। इतना ही है क्या? एडमिशन भी हो जाएगा। वो कैसे? अरे सर कल मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना भूल गया था। इस गांव में बड़े बड़े घर के लोग भी रहते हैं। ये बैंक की बिल्डिंग भी उनकी है और जिस घर में आप रहते हो वो भी उनका है। उन्होंने बैंक में जो पैसा जमा किया है उसी से ये बैंक चलता है। तालिकुलम ट्रेवल्स, तालिकुलम वाटर, तालिकुलम स्टेट। और क्या चाहिए? सब कुछ तो उनका ही है सर। और उनका एक स्कूल भी है इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ एडमिशन मिल जाएगा। तालिकुलम जॉन बड़े बेटे हैं। उनको भी 2 बेटे हैं जॉर्ज कुट्टी और जॉन कुट्टी। सबका कल्याण करना जीसस। सब पे अपनी कृपा। मेरी कुटी, मेरी कुटी। क्या हुआ माँ जी? दोपहर के लिए मछली फ्राई किया है मैंने। देखो तो ढका है कि नहीं। अगर नहीं ढका है तो उसे ढक दो। ठीक है माँ जी। हाँ। सब पे कृपा बनाए रखना जीसस। शुरू हो गई है। अपनी कृपा बनाए रखना जीसस। अरे फिर से भूल गई मैं। ए मेरी कुटी। क्या हुआ माँ जी? तुम मौली कुटी को भेज कर वो मुर्गी को बंद किया है कि नहीं देखने के लिए कहो। ठीक है भेजती हूँ। जाके देखो।
काम करने में गुस्सा आता है। इन्हें काम की जरूरत है समझकर काम दिया तो मुझ पे ही चढ़ रहे हैं। बहुत परेशान करते हैं। सब पे कृपा बनाए रखना जीसस, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सब पे कृपा बनाए रखना जीसस। अब मुझे याद आ रहा है, रबर का दाम कम हो रहा है, आपका त्योहार भी आ रहा है। अगर हम कोई काम करें तो आपको गुस्सा आना नहीं चाहिए, ठीक है जीसस? अब मेरा बेटा जॉर्ज कुट्टी के बारे में है, उसकी शादी होकर 5 साल हो गए हैं। अब तक उसकी बीबी को एक भी बच्चा नहीं हुआ है, कैसे होगा? आपके पास आकर प्रार्थना करना चाहिए। टीवी देखते रहेगी तो कैसे होगा? अगर उसको नहीं हुआ तो मैं पोता पोती के साथ कैसे खेलूंगी? और वैसे भी जोस कुट्टी की भी शादी करनी है। अच्छे से सुन लीजिए, आपके पास 1 महीने का टाइम है। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो मैं सबस्टीन के पास जाकर काम करवा लूंगी, ठीक है? हाँ, और मुझे भगवान की जरूरत नहीं है ये बोलकर मैं शांति से रह लूंगी। माता को डराकर उसकी प्रार्थना कर रही हो? तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए माता को धैर्यवान होना होगा, क्यों रे? पहले तो गाना गाती है, फिर घर के काम शुरू कर देती है, फिर बातें करती है और डराने लगती है। ये क्या है? अंदर में प्रार्थना कर रही हूँ, आप यहाँ बैठकर पी रहे हैं? आपको तो कुछ भी बोलने का हक है ही नहीं। मैं हर दिन अपने जीसस से प्रार्थना कर रही हूँ, इसलिए आप और आपके बच्चे अच्छे से जी रहे हैं। एक दिन भी शाम को प्रार्थना नहीं करते हैं और ना रविवार को कभी चर्च में जाते हैं। घर में अगर कोई शादी हो तभी ये चर्च की तरफ जाते हैं, और वहाँ जाते भी हो तो शैतान की तरह अंदर नहीं जाते, इतना डर लगता है। देखो, चर्च में जाके प्रार्थना करना कोई बड़ी बात नहीं। सुन लो, यहाँ यहाँ पर साफ होना चाहिए। जिसका दिल साफ होगा उसे स्वर्ग में जगह मिलेगी। हाँ, तो उनको ही स्वर्ग में जगह मिलेगी। ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं भी 5-6 साल तक चर्च के फादर के साथ रहता था, रात में उधर भी ऐसा ही चलता था। किसको लेकर आ रहे हैं? देखो तो जरा। हाँ, सुगना है जी, आओ बैठो। ये कौन है? नमस्ते, सबसे मिलने के लिए आए थे। ये हमारे बैंक में नए मैनेजर हैं। हाँ, नाम है शिवराज, हमारे घर में रहते हैं। अच्छा, वही जो पुलाची से? हाँ, वही। क्या पियोगे बेटा, लेमन जूस या टी? जूस नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा, आप पहली बार आए हैं तो कुछ तो पीना ही होगा आपको। मैं लेमन जूस फिर तो मेरे लिए दो ग्लास। तुम्हारे लिए नहीं है। वैसे मैं आपसे ही मिलने आया हूँ, यहाँ आपके स्कूल में मेरी बेटी के लिए एडमिशन चाहिए। ये बात है, स्कूल का मामला तो मेरा बड़ा बेटा जॉर्ज कुट्टी ही देखता है। मैं उससे बात करता हूँ। जी, मैं भी नए मैनेजर से मिलने की सोच ही रहा था। मेरा छोटा बेटा जॉर्ज कुट्टी स्टेट में रहता है। जूस। वो यहाँ पर आएगा तो एक नए प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के लिए आपसे मिलेगा, उसके लिए जरा लोन वगैरह सैंक्शन करवा देना। देखता हूँ मैं। एक दिन आप अपने परिवार को लेकर आइए, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। मैं तो कई बार लेके आया हूँ ना। तुमसे नहीं पूछ रही, इनसे पूछ रही हूँ। अब हम चलते हैं फिर। अरे सुगना। हाँ? कल तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि कल हमें खेत जाना है। यही तो प्रॉब्लम है, ताली गुलाम के घर में कोई भी काम होता है तो वो सिर्फ मुझे ही लेके जाते हैं। हाँ, सब कुछ मुझे ही पता है, उस खेत खरीदने तक उधर आना जाना सब पता है मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं समझती? सब पता है। आ गया जॉर्ज कुट्टी। जी पापा। ये यहाँ के नए बैंक मैनेजर हैं। हाँ, शिवराज। हेलो। इनकी बेटी को +1 में एडमिशन चाहिए, वो देख लेना। हाँ ठीक है पापा। तो फिर हम लोग चलें? हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ लो। पति को देखने के बाद महारानी नीचे आती है, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम डालो। आओ ये लो, ये लो। अब कौन है? वर्कशॉप से आया हूँ स्कूटर लेने के लिए, बाहर कोई नहीं था इसलिए। आप उधर ही रही, मैं चाबी लेकर आती हूँ। माँ, स्कूटर रिपेयर करने वाले आए हैं। ये लो चाबी। Thank you.
पापा। है एडमिशन मिल गया है और बुक भी खरीद लाया हूँ मैं। उस दिन तलाई कलम जोन जी से मिलने के लिए गया था तो मुफ्त में सीट मिल गई है। हमारी बेटी के अच्छे मार्क्स आए हैं ना? हाँ, वो सब यहाँ नहीं देखते हैं। यहाँ तो सब कुछ प्राइवेट स्कूल ही है। सबके लिए डोनेशन देना होता है, बिल्डिंग फंड, एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, स्पेशल फीस, सबके लिए पूछेंगे। लग रहा है कब स्कूल शुरू होगा पापा? जुलाई 1 से होगा बेटा। अच्छे से पढ़ाई करना, 2 साल में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। डॉक्टर बनने का सिर्फ सपना नहीं देखना है, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने एक टाइम टेबल प्लान किया है। सुबह 5 बजे उठकर कॉफी बनाकर देना, ये सब मैं देखता हूँ, तुम कुछ मत करना, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। देखा तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं ना, पढ़ाई करते वक्त तुम्हें कॉफी पिलाते हैं। तुम्हें ऐसे पापा मिले, बहुत किस्मत वाली हो। अम्मू कुट्टी, मैंने डॉक्टर बनने के लिए सोचा था, अब तुम्हें बनना है कुछ भी करके। मेरी गुटी, उठो ना। कौन है? कौन है? अरे मैं हूँ जोस कुट्टी। अरे बाप रे, चोर 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 चोर। ए कौन है, कौन है? आप क्या? तो जोसेफ, रात भर दारू पीने से नहीं, होशियारी से रहना चाहिए, समझे तुम? कितनी बार मुझे बुलाना पड़ेगा? सच में मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था साहब। कैसे सुनाई देगा? पापा 2 राउंड्स पी रहे थे, तुम उनके साथ 4 राउंड पीते हो, और वो 4 राउंड्स पियेंगे तो तुम कितना पियोगे बताओ? देखिए आप इस तरह से झूठ मत बोलिए। अब तो तुम हो जोस कुट्टी, ये चोर चोर क्यों चिल्ला रहे थे? अब वो क्या है ना पापा, मैं बहुत बार बुला रहा था, कोई भी नहीं आया था, तो पढ़ाएगा कैसे, सबने पी रखी थी। हाँ। और सिर्फ आपके साथ ही मिलकर नहीं, ये तो बाहर जाकर भी पी रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, इसीलिए मैं किचन की तरफ जाके, वो क्या नाम है उसका, मेरी कुट्टी। हाँ, मेरी कुट्टी, हाँ, उसको जाके मैं उठाने के लिए गया तो वो चोर चोर कहके चिल्लाने लगी। ओ, ये बात है क्या? ठीक है जाके सब लोग सो जाओ। हाँ, ठीक है सब जाके सो जाओ, चलो तुम भी चलो। तुमको उसका नाम पता है ना? मैंने विश्वास कर लिया। ठीक है जाकर सो जाओ। ठीक है। ए, कौन है वो लड़कियाँ? वो तो मुनार से आई है। वो चाहे कहीं से भी आई हो, एक नई लड़की है, ये मुझे बताना चाहिए था। क्यों, आपको उस लड़की का रहना पसंद नहीं है क्या? देखिए मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो भी ठीक है, मैंने जो झूठ कहा है वो सच साबित करने के लिए तुमको ये पीना ही पड़ेगा, समझे तुम? माँ तुम पर सुबह पानी डाल के उठाएगी तो ये बदबू आएगी। गुड बाय।